हाय गाइस, आप कैसे हैं? प्रभु की इच्छा से आप बिल्कुल ठीक होंगे। और प्यारे दोस्तों, प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर फोर्थ है। तो स्टूडेंट, हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है, ये सब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। एकदम वेलकम टू प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट। ऑल स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्यारे बच्चों आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से आपका लाइव क्लासेज दे सकूं। स्टूडेंट, अभी थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर कम है, जिसके कारण मैं आपको लाइव क्लासेज नहीं दे पा रहा हूं, नहीं तो पर डे आपकी लाइव क्लासेज मिलेंगी। देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा है स्टूडेंट, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस पॉलिनोमियल को, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर यानी इसकी पावर वन है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री, इसको कहते हैं डिग्री। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि इक्वल जीरो कर दिया जाए तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और स्टूडेंट, जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होते हैं, हमने बताया था मैक्सिमम सॉल्यूशन इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री, यानी डिग्री के इक्वल होगा, तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन टू हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम स्टूडेंट कि, तो अब समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है और वो है क्वाड्रेटिक, यानी डिग्री उसकी टू है, तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? टू हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, जैसे पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, यानी x की घात 0 का मतलब 1, तो यहाँ c मल्टीप्लाई 1 है, तो x की पावर 0 हुआ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए स्टूडेंट, यानी कोई हमारा आयत है, अब इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। कोई हमारा आयत है, रेक्टेंगुलर है, उसकी जो ब्रेथ है, उसकी ब्रेथ, ठीक है, मान लीजिए एक्स है, और उसकी लेंथ है ब्रेथ के दुगने से, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है, तो यानी 2 ब्रेथ x है, ये हो गया, ठीक है। और इसका जो एरिया है 300 स्क्वायर मीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है एल इंटू बी इज इक्वल टू 300 दिया हुआ है, तो एल है आपकी 2x प्लस में 1 इंटू बी है आपका x इज इक्वल टू 300, तो 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में x इज इक्वल टू 300। तो इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 300, ये आपका इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इसके में रखेंगे तो हमारी वो आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और एप्लीकेशन जानते हैं। देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखिए x प्लस 1
मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये है हमारा 2x-3, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में करते हैं, ऐसे ही इस वन का मल्टीप्लाई इसमें वन में करेंगे और इसमें करेंगे। तो एक्स का मल्टीप्लाई पहले कर रहे हैं हम, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का एक्स में एक्स। अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा और इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इजिकल टू है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दोनों में होता है 2x-3, तो 2x-3। अब इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2x प्लस में 1 और माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस के 3 इजिकल टू 0। तो ये से इसको कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजिकल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए इज नॉट इक्वल 0, यानी ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए तुम्हारा ए 0 हो गया, जब ए 0 हो गया तो आपका ये पूरा ही 0 हो गया, केवल बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 बचे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है 1 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी बीच का पद, यानी आपका जो बीच का टर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजिकल टू 0, यदि ये भी नहीं है यानी इस रूप का है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट यानी इसका सी नहीं है यानी कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी इस रूप का है इसका, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, माइनस का 2x। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इजिकल टू प्लस का 2x। तो इसको ले आएंगे, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 2x, और इसको 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएंगे बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6 इजिकल टू 0, ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजिकल टू 0, ये इसके रूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब थर्ड सवाल लेते हैं अपना, तीसरा लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 1 इजिकल टू है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस में 3। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व, इस एक्स का मल्टीप्लाई क्या है, इस एक्स में होगा और इस 2 में होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस का 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, अब आ जाइए इधर से, इस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों जगह कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब 3 का करेंगे तो 3x माइनस में 3, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिएगा इस एक्स को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये कट जाएगा। स्टूडेंट जब इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये हो गया नो, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर चलिए थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ये इसको मैं थोड़ा नीचे उतार लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको यानी 2x स्क्वायर माइनस ये, इसको इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गए प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस के 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को हमें इधर लाए तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 2x हो गया, प्लस के 3 हो गया इजिकल टू 0। इससे इसको काट दीजिए, यानी माइनस के 2x स्क्वायर 2x और माइनस के 3x और प्लस के 1 इक्वल 0, ये दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजिकल टू 0 नॉट, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट बेटे, ये वाला क्वेश्चन है आपको खुद करना है, स्वयं करना है, ये वाला क्वेश्चन सेम करना है आपको स्टूडेंट। मैं आपको ये वाला थर्ड करा दिया है,
और ये आपका जो फोर्थ है स्टूडेंट, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस में बी। तो यानी ए की जगह एक्स है, बी की जगह टू है, यानी एक्स क्यूब प्लस में टू का क्यूब प्लस में थ्री ए बी। ए की जगह एक्स है, बी की जगह टू है, एक्स प्लस टू। तो एक्स क्यूब टू का क्यूब करेंगे यानी तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा, तीन दूनी छः सिक्स एक्स, ये हो गया। तो सिक्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर और सिक्स एक्स मल्टीप्लाई टू, यानी ये हो गया स्टूडेंट छः दूनी बारह हो जाएंगे भैया, 22 हो यानी 12 हो जाएंगे स्टूडेंट। कितने हो जाएंगे ये आपके 12x हो जाएंगे, ठीक है ना, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका कितने x हो गया 12x, ठीक है। तो ये है आपका 12x, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर और ये है प्लस में आपका 12x प्लस में 8, ठीक है। लिख दिया मैंने है प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 6। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं हम 2x क्यूब, यानी मल्टीप्लाई में जो पावर हैं जुड़ जाती हैं 2x क्यूब माइनस में 2x। अब स्टूडेंट इसको हम जैसे इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। तो ये तो है माइनस का 2x क्यूब और ये है प्लस का 2x क्यूब। तो ये है गया हमारा माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 6 प्लस में 2x इक्वल जीरो। तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस में 6 इक्वल जीरो, देखे ना, इट इज नॉट, इट इज नॉट नॉट फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो ये इसके फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। स्टूडेंट जैसे यह माइनस है तो इसको हटाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, देखिए माइनस का एक्स क्यूब है प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बराबर जीरो। इट इज नॉट फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। यानी कोई भी अब माइनस का है तो उसमें हम सबसे आगे यदि सबसे बड़ी पावर माइनस की है तो क्या है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका रूप चेंज कर सकते हैं, वैसे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, देखो जहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करने पर जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस माइनस माइनस है ना, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है। तो ये हो गया, तो जहाँ पावर यह है थ्री पावर है तो ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक हो गया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट इसको आपको स्वयं करना है, फोर्थ वाले इक्वेशन को आपको स्वयं करना। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, इसने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो सिचुएशन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, ये है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एक्स है और लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी ट्वाइस इट इज ब्रेथ और वन मोर देन, ये है वन मोर देन, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका ट्वाइस है ब्रेथ का। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है, ये होता है L इंटू बी और ये दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए L इंटू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ है स्टूडेंट हमारी ये रही 2x प्लस में 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कोष्ठक में जितनी भी संख्या होती है उनमें अलग अलग करते हैं, तो 2x स्क्वायर इसका इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x
यानी एक्स है केवल, और इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो गया इतना बराबर जीरो, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में बराबर जीरो। ये आपका एप्लीकेशन हो जाए। इसकी सहायता से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है केवल रिप्रेजेंट करवाया, इसलिए हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। स्टूडेंट कंसेक्यूटिव का मतलब है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए एक 5 है तो एक 6 है, एक 7 है, 8 है, वैसे मान लिए हैं मैंने, यानी लगातार एक एक जोड़ने के बाद। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स है, देन अदर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हुआ एक्स प्लस वन, क्योंकि एक ज़्यादा होता है ना, तो ये कह रहा है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई कितना है 306 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और इसको हम इधर लाएंगे इजिकल टू जीरो। ये स्टूडेंट हमारा ये हो गया, क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो केवल यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है, जैसा कि हमने पहले उसमें बताया था। देखिए ये है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, केवल रिप्रेजेंट करना है, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम अपना समय खराब नहीं करेंगे स्टूडेंट। चलिए अगला बढ़ते हैं। रोहनस मदर 26 ईयर ओल्ड ऑफ द ओल्ड देम हिम, मान लीजिए रोहन की एज एक्स है, तो रोहन की जो मदर है उसकी हो जाएगी इतनी, यानी इससे क्या है 26 ईयर ओल्ड है, तो एक्स प्लस में 26 हो जाए। अब कह रहा है चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ये सेकंड का यानी दूसरे क्वेश्चन सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। तो लीजिए लेट रोहनस एज, रोहनस एज ठीक है एक्स ईयर है, ठीक है, एंड मदर एज, प्रेजेंट एज होती है भैया, ये क्या होती है प्रेजेंट। लेट मदर्स एज एक्स प्लस में 26 ईयर, ठीक है 26 ईयर, ठीक है। अब है 20 मदर्स एज, ठीक है, अब कह रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 ईयर बाद अकॉर्डिंग टू, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी रोहन की एज हो एक्स ईयर का है प्रेजेंट में, लेकिन 3 ईयर के आफ्टर 3 ईयर बड़ा हो जाएगा, और मदर उसकी है 20x प्लस 20, लेकिन 3 ईयर के बाद में, तो इसका 3 ईयर और इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों की जो ईयर है इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू है आपका 360 है, तो एक्स प्लस में 3, तो x प्लस में 29 इज इक्वल टू 360, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर, इसका फिर 3 में कर दीजिए 3x हो गया। अब इस 29 का इन दोनों में कर दीजिए x, 29x हो गया,
और थ्री में करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई 29 87 हो गया और इजिकल टू 360 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 70 माइनस 360 इक्वल जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 300 ये माइनस में यही उसने पूछा है कि इस समीकरण को आप इसमें प्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमें रिप्रेजेंट करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, देखिए स्टूडेंट, ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है ट्रेन। देखिए मान लीजिए 6 किलोमीटर हमें तय करना है और पहले ट्रेन की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए यानी 5 आवर्स में तय हो जाएगा, ठीक है। और फिर मान लीजिए ये स्पीड घटा के 10 कर दी है तो ये 6। अब स्टूडेंट हम दोनों समय को कैसे कह सकते हैं, एक ट्रेन एक बस या कार कोई भी है जो 12 किलोमीटर के हिसाब से चलती है ट्रेन तो 5 घंटे में पहुंचती है, और यदि उसकी स्पीड घटा दी जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर जाती है तो वो 6 घंटे में पहुंचती है। या ये कह सकते हैं जब स्पीड कम हो जाती है तो वो 1 घंटे अधिक समय लेती है, क्योंकि 6 और 5 में 1 घंटे का अंतर है तो ये 1 घंटे अधिक समय लेती है। ऐसे ही है ये कि ये ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड यानी किसी भी एक निश्चित साल से चल रहा है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन यानी यूनिफॉर्म ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, ठीक है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन तब स्पीड द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाती है तो उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, 8 किलोमीटर कम चलेगी, यानी तो ये वाला ज़्यादा समय लेगा। तो स्टूडेंट क्या है कि यानी डिस्टेंस यानी टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये होता है टाइम के इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब बढ़ गए हम, तो डिस्टेंस हमारी 480 है, जो ज़्यादा समय ले रही है वो जो धीरे चल रही है वो ज़्यादा समय लेगी और जो तेज चल रही है वो कम समय लेगी, ये वाली कम समय लेगी। तो इन दोनों के घटाने का अंतर 3 है, ठीक है। तो या स्टूडेंट आप ऐसे जान लीजिए इसको कि जो हमारा ये है, ठीक है, तो 480 इस प्रकार से जानिए, ये ट्रेन जो है 8 किलोमीटर पर घंटे कम चल रही है तो ये ज़्यादा समय लेगी, यानी ये ट्रेन और तेज़ चलने वाली ट्रेन से 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो 1/(x-8) हो गया, 1/(x) हो गया इजिकल टू 3, 8x-8 आपने एलसीएम ले लिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई x-8 इजिकल टू 3, अब देखिए जैसे मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, प्लस का 8 बचेगा केवल 480, और इसका जो मल्टीप्लाई है इधर चला जाएगा, 80 × 8 इज इक्वल टू x x-8, ठीक है। इसको स्टूडेंट x x-8 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये 3 और है ये वाला 3, 8 × 480 और 3 × 3 और इससे इसको काट दीजिए 160, यानी ये कह सकते हैं डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड में,
तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एट बराबर 16 जा 128 हो जाता है, ये वाला जीरो है। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस के। और स्टूडेंट अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे सिर्फ इतना बताया है। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और प्रभु की इच्छा से आप इतनी मेहनत कीजिए कि सब लोग आपका नाम ध्यान करें, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको लाइक करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट करना है, शेयर करना है। जैसे शेयर इसलिए करना है अपने दोस्तों में, केवल एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है, यदि फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भी शेयर करना है प्यारे बच्चों, जैसे आपके सर का भी मन लगे। और फिर मैं बहुत जल्दी ही आपको लाइव क्लासेस देने लगूँगा। और स्टूडेंट आपको कमेंट भी करना है। जय हिंद, जय भारत।